जनपद संभल की चंदोसी नगर पालिका परिषद के आंशिक निरीक्षण के लिए पहुंचे सदस्य सफाई कर्मचारी आयोग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। जनपद संभल की चंदोसी नगर पालिका परिषद के आंशिक निरीक्षण के लिए पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य पद दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज वाल्मीकि। इस दौरान नगर पालिका परिषद के संविदा सफाई कर्मचारियों ने पूरा वेतन नहीं मिलने की शिकायत भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री से की। इस विषय में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज वाल्मीकि ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सभी सही शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग द्वारा कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान पर कहा कि वह अपने समाज के लोगों को सुरक्षित नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कोरोना काल में कोई भी अच्छा कार्य किया होता तो उसकी तारीफ करते तो समझता, लेकिन उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री और कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाए जिसका जवाब उन्हें ऊपर वाले को देना होगा। देखिए, नगर पालिका में लगातार लंबे समय से, जब से मैं आयोग में आया हूँ, 19 में मेरा आयोग का उत्तर प्रदेश का गठन होया, लगातार यहाँ सफाई कर्मचारियों का नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा शोषण हो रहा है, जिसकी सूचना मुझे लगातार मिलती रहती है। समय समय पर बहुत सारी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। आज मेरा आंशिक दौरा है, कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुझे बदायूं जाना है। बदायूं में जो घटनाक्रम हुआ है बिटिया के साथ, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है और एक शमशान भूमि का मैटर है कब्जे का, उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। ये है अगला जो मेरा कार्यक्रम रहेगा, चाहे एक दिन का या दो दिन का, क्योंकि यहाँ मेरा बचपन कटा है चंदोसी में, इसलिए मुझे उसका हक अदा करना है और यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। देखिए, आदमी अपनी सोच का परिचय देता है कि मैं किस स्तर की मेरी सोच है, इस देश के प्रति मेरी क्या जागरूकता है और मैं इस देश के बारे में क्या चिंतन करता हूं, देश के हित में करता हूं, व्यक्तिगत करता हूं, सामाजिक करता हूं, पार्टी के दायरे में करता हूं या देश के हित में करता हूं। अगर कोई ऐसी घटना इस कोविड में उनके द्वारा कोई ऐसा समाज में काम हुआ हो उसकी अगर तारीफ करते तो मुझे अच्छा लगता सांसद जी का, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके प्रधानमंत्री जी के बारे में, उस कोविड के बारे में जो दवाई बनी है उसके बारे में कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले को जवाब देंगे, अपने समाज को सुरक्षित नहीं चाहते, उनको दवाई पिलाना नहीं चाहते, वो जवाब देंगे समाज के लिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से मैंने उसकी अपने स्तर से जानकारी निकाली, सीएमओ से बात करी और सीएमओ से अलावा आर के सिंह जी जो डीएम है, व्यक्तिगत मेरा उनसे संबंध है, उनसे मैंने अपने स्तर से जानकारी निकाली कि मैं नज़दीक में जा रहा हूं, कि मैं इस पर, मुझे हो सकता है पत्रकार महोदय मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये क्योंकि कल का ही मामला, कल टीवी पे मैंने खुद देखा है। तो रात मेरी बात हुई, उन्होंने कहा वो पहले से बीमार थे और रात में वो उन्होंने, यानी कि आपका पहले से वो बीमार थे, उन्होंने दवाई ली और दवाई जो उनको रिएक्शन करिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी सीएमओ ने भी कहा, मैंने सीएमओ की भी बाइट सुनी कि उन्होंने नौकरी की थी, यानी ड्यूटी रात भर की है, उसके बाद उनकी तबीयत वबीयत खराब है। क्योंकि देखिए एक बात आई है, अभी मैं बैठा हूँ, जस्ट अभी बैठा हूँ, मैंने यहाँ चाय पी है, चाय अभी चेक कर लीजिए, लेकिन अभी भगवान ने मुझे बुलाना उचित समझ लिया है तो मैं क्या करूँगा जी। अगर वो स्वस्थ नहीं थे तो स्वास्थ्य विभाग ने उनको वैक्सीन क्यों लगाई? देखिए ये देखिए आपका विषय, ये इसे गंभीर मानता हूँ, लेकिन अभी तक ये जानकारी हुई है वो स्वस्थ थे, अभी तक ये जानकारी है। अब उसके परिवार के लोगों ने बताया बीमार थे और इनको दवाई लगा दी, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि बीमार को कोई दवाई लगा देगा, आप भी खुद समझदार हैं। कर्मचारी आयोग के सदस्य का आंशिक दौरा चंदोसी नगर पालिका में हुआ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, हमारी प्रदेश है, हमारी सरकार है, अच्छा काम कर रही है, काम कितना ही अच्छा हम करें, लेकिन जब तक हमारे सरकार के जो बंधुजन आएंगे देखेंगे नहीं, सर्वे नहीं करेंगे, हमें पता कैसे लगेगा? हमारा रिपोर्ट कार्ड तो यही तैयार करेंगे ना, इसलिए बाकी का सारा काम अच्छा चल रहा है, कुछ कोई कमी होगी तो दूर की जाएगी,
इसी तरह से विकास होता है नगर का, समाज का, देश का, तो हम और डेवलप करेंगे।